जी खाण पीन की एक होर चीज़ थोड़ा खाते पीते दिखाने गए कि महंगी भी आखिर वह टेस्ट कहो जहा है। सैक्टर 17 खड़े है शॉप भी दिखा दें जितों लैके आए हैं। शॉप का ना ही पहला तो जो कही बड़ा अजीब जहा खर ने दिखा दें क्योंकि डब्बा पे को क्राउन पेटिसरी गुलाब जामुन जिम्मे ब्लैक वाली लगती है ये भी दिखा दो ना जिदा गुलाब जामुन होंगी अपने पिंड कह दें बालूशाही होगी सो लगते तो इदा देने पर है खासियां महंगी ने बाकी जो इंग्लिश च नाम है ना जो लेके आया तो वो दसूगा की नाम ने की कुछ अभी तक ईमानदारी से नाम मुझे भी पूरे अच्छे से नहीं समझा पर देखने में बहुत सुने लग रहे थे। ये तो अपनी अपनी बेल्जियम चॉकलेट होगी अपनी बेल्जियम चॉकलेट सुनने में ही खतरनाक सी है। चलो ये लेके देखते हैं। आइसक्रीम खाई है हमने तब से अच्छी चॉकलेट भी खा लेते हैं। उसके बाद अब ये ऑरेंज चॉकलेट कुछ उसने बंदे ने बोला था उसके आगे हेजलनट ऑरेंज चॉकलेट कुछ थी बाकी अब खा के पता चलेगा कि भाई एक्चुअली चलो ये करके शुरू कर फिर की हो जाए भी अभी जिस तरह से देख रहे हैं लुक जड़ी इन्हें दिती हुई है ना ये भी पूरा उठाओ मसा मसा निकाला भाई हमने बहुत मुश्किल से खाने वाली चीज लग रही है छोटा सरप्राइज है वो हम दिखाएंगे नहीं वो बाद में रखते हैं। वो बेसिकली हमारे एक छोटे साथी का बर्थडे था उसकी बर्थडे पे केक नहीं कटा था हमें काफी गालियां पड़ी है तो उसके लिए हमें स्पेशल सरप्राइज लेके आए हैं। ते है कैसा जा टेस्ट की है पता है ऊपर की लगा है ये तो चॉकलेट है अपनी है और साथ में नॉर्मल चॉकलेट टेस्ट है साथ में इसके बोलेगा अपना सोने का वर्क स्प्रिंकल किया हुआ है ला मतलब बोलते हैं कि भाई मतलब 50 रुपए तो यहाँ के जोड़ सकता हूँ मैं कि 50 रुपए तो सोना ही हो गया जो बिल्कुल है हुआ नहीं हुआ पर अपना मानते हैं गोल्ड वर्क ही दिख रहा है क्यों देखो शाइन वही है ऊपर। अब खा के देख लेते हैं क्यों वो तो खा लिया मैंने एक और उठा लेते हैं तीसरे ऐसे उठा के देख लाने ना चॉकलेट है ना अब ये भी खाते हैं हाँ हो पूरा ही चॉकलेट है यानी कि पूरी टोटली चॉकलेट दी अलग अलग फ्लेवर्स कह सकते हैं दूसरी भी शायद इस तरह की हो क्योंकि बिच भी तुसी देखो कि बिल्कुल विचकार वो अलग तो एक चॉकलेट टेस्ट है जेड़ा तो है तो वो भी चॉकलेट ही दिख रही है। नहीं नहीं देखो हम बात कर रहे हैं डार्क चॉकलेट की बात करते हैं डार्क चॉकलेट नहीं मैं मतलब कड़वी नहीं है ये हम बोलते हैं कड़वाहट हल्की सी है पर एक आफ्टर टेस्ट के तौर पे आपको चॉकलेट की लग रही है ये तो दूसरी भी हम चाहते हैं दूसरी हमारे साथ उठाएंगे क्योंकि ऊपर तो देखो चॉकलेट है ये तो असि पहला तोड़ के खा के देख लिए पर बिच की है देखो भाई इसमें एक और अभी चॉकलेट लेयर उसके बीच में चॉकलेट उसके नीचे अंदर एक और लेयर है ऊपर आया हुआ लेयर हां वो भी चॉकलेट ही है चॉकलेट है चॉकलेट क्योंकि ये सारा जरा जे कहिए कि कॉम्बिनेशन ही चॉकलेट्स का किया हुआ हैगा पहले तो आही चॉकलेट देख लेने जो वो खावांगे किमें भी जब अब बंदा खेल के खा नहीं सकता क्योंकि नीचे दे क्रीम पेस्ट है क्रीम दा इधर टेस्ट कर सकते हैं देखो नहीं तोड़ नहीं सकते तुम नहीं तोड़ सकते ये ना हार्ड है ट्राई एक बार फिर उदे करिए पर वो थले बेस भी गल सकता है पता लग जाएगा ਵਿਚ ਇਹ ਉਪਰ ਲੇਅਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚਾਕਲੇਟ ਟੋਟਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਪਲੇਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੇਅਰ ਹੀ ਬਤਾ ਬਾਜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਆ ਟੇਸਟ ਹੀਗਾ ਔਰੇਂਜ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਔਰੇਂਜ ਦਾ ਹੀ ਟੇਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਚਾਕਲੇਟ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਮ ਉਹ ਖਾਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਚਾਕਲੇਟ ਹਾਰਡ ਚਾਕਲੇਟ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਡਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਆ ਹਾਰਡ ਚਾਕਲੇਟ ਆ ਦੋ ਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਸ਼ੀ
पूरी लेयर देख दे देखो कुछ ना ब्रेड टाइप चीज है ये हमने इसके बाहर का सारा ये लेयर रिपीट ये पाइनएप्पल लग रहा है मुझे ना ये तो आप ही बता पाओगे भाजी है कैसा स्वाद क्योंकि ए लेयर तो ए लेयर सेम है छह महीने नहीं ये कुछ होर चीज है वो थोड़ी हार्ड चीज है देखो ये तो है नहीं चीजें देखो भाई समझ नहीं लगदियां भी है की है वैसे खान दा ही तो जप है टेस्टी दा नाम जरूर दता गया हम भाजी भी खा के दसणगे देखो भाजी क्योंकि दूसरे कोने नाल करके देख लाने हैं हर एक ये मैक्सीम जी इस तरह की चीज़ा होंगे इनका होंगे यह कि अलग तो अलग टेस्ट है जो सारिया चीज़ों बनाइए कॉम्बीनेशन दिता हुआ कई चीज़ों का यार ये बताओ कि ना लेयर पे लेयर है पर ऐसा तो नहीं है कि एक लेयर दूसरी लेयर काट रही है मतलब स्वाद लग रहा है नहीं चलो ऑरेंज तो इसका सिग्नेचर ही था उन्होंने बोला ये कि ऑरेंज के ऊपर डिश बनी है ये जो भी पेस्ट्री है वैसे तो देखो चॉकलेट के टेस्ट ने जो वक्रे वक्रे ने जो तुम उपर वाला चॉकलेट लग तो बेहतर यही है भी जो खावे तो जब तुम उपर करो फिर तो जो ऑरेंज टेस्ट है वो सारा दब लगा बट जो तुम जिम्मे हम साइड तो टुट गई है फिर इन साइड तो जो तुम अलग तो टेस्ट लेना है तो वो चीज़ अलग तो कर रहा क्योंकि जो बेस है बेस भी बनाऊँगा ही है भी बाकी टेस्ट मिक्स कुल मिला के मिक्सचर है जो सारे का वो वधिया है ये नहीं है भी कले जिम्मे कह दें कोई महंगी चीज़ होंगी है खैर उन्ने जोगी होंगी नहीं उन्ने जोगी हैगी है तो उही हिसाब दिन चीज़ा बनिया ने तकरीबन जो कही कि दोनों से 600 रुपया ला सकते हो तुम क्योंकि 250 की तो भी होगी 300 की तो होगी 300-350 की होगी मोमो ला लें 500-550 के दो जो कह सकते हो एक तरह के फ्रूट केक ने देख सकते हो लेयर लेयर है अभी इसमें देख रहा टेस्ट है एक अपना दूसरा ये अपनी बेल्जियम चॉकलेट लग रही है तीसरी ये अपना व्हाइट चॉकलेट लग रही है फिर वापस वही और बाकी फूड एक्सपर्ट ज़्यादा क्रिटिक एग्जैक्टली क्लियर कर रहे हैं पर ये स्वाद जो हमें रहता है अपनी तरह चीज़ें तेजी चलते हैं कि स्वाद फाइनल सर 10 में से कितने देंगे इसे हम ईमानदारी से रेट रूट लेके अपना अपना बेल्जियम खाया था उसको भी मैं दूंगा अपना 10 में से मैं सीधे तौर पे 7 दूंगा पहले तो निकालने बहुत मेहनत करनी पड़ी उसे कि भाई ये चिपका तो मुझे था कि कहीं गिर जाएगा टूट जाएगा उसके बाद वो ये कि हम बात कर रहे हैं चम्मच एक मिसिंग रहेगा मतलब कि यार एक पेस्ट्री के साथ अभी एक्सेप्ट करते हैं तो चम्मच जरूर देना इनका बंदा सीगा अभी मेहनत चल रही है चलो सर फिर जाते आते कोई मैसेज इस इन दोनों चीज़ों को खाने के लिए कि एक बार वर्थ है वन टाइम पक्का आके ट्राई करके जाए सतारा में ट्राई तो हर कोई कर सकता क्योंकि खाने पीने का शौकीन ट्राई कर लेते हैं पर जो कहो तुम उस हिसाब के प्रेजेंटेशन वधिया खाने टेस्ट वधिया है मिडिल क्लास के खाने वाले नहीं वो चीज़ ध्यान रखन पंगा ना लैन इस चीज़ नाल हाई क्लास वाले तो तुम्हें पता ही है फिर भी वो ज़्यादा देखते हैं रेट जी महंगी है चीज़ कैसी मर्जी क्योंकि चॉकलेट्स का इस तरह का कंबीनेशन बनाया हुआ तुम्हें किसी भी टेस्ट का समझ नहीं जो लगेगी जो इकट्ठी खाओगे जिम्मे असी अलग अलग खाई है फिर समझ लग जाएगी भी हाँ ठीक है वाइट चॉकलेट है आ हार्ड है आ ब्लैक है इस हिसाब के ना अदरवाइज चलिए